पॉजिटिविटी। ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत से चंद दिन पहले भारतीय टीम को झटका मिला है। टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और अनुभवी पेसर ईशान शर्मा टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं। विराट पहले टेस्ट के बाद भारत लौट आएंगे और अगर रोहित भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते हैं तो टीम इंडिया वाकई में मुश्किल में पड़ जाएगी। दरअसल रोहित और ईशांत आईपीएल के दौरान चोटिल हो गए थे। हिटमैन जहां अंतिम दौर के कुछ मुकाबलों से बाहर हुए थे तो ईशांत को बीच टूर्नामेंट में नाम वापस लेना पड़ा था। अब बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA में दोनों अपनी चोट से उभरने के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन ताजा रिपोर्ट कुछ और ही बता रही है। दोनों ही टेस्ट सीरीज के लिए समय से फिट नहीं हो पाएंगे। सूत्रों की माने तो NCA के विशेषज्ञों ने टीम मैनेजमेंट चयनकर्ता और BCCI को जानकारी दे दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों की फिटनेस रिपोर्ट इतनी उत्साहजनक नहीं है। अब इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जा सकती है। इससे पहले टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि अगर रोहित और ईशान अगले 4 या 5 दिन में ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचते हैं तो दोनों खिलाड़ी टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटीन नियम सख्त है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर किसी भी शख्स को 14 दिन तक क्वारंटीन रहना बेहद जरूरी है। टेस्ट सीरीज का पहला मैच 17 दिसंबर से खेला जाना है। दोनों ही खिलाड़ियों को पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर रखा गया था, लेकिन फिर बाद में रोहित को टेस्ट टीम में चुना गया और ईशान शर्मा पर भी ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह से फिट होने की शर्त रखी गई थी। एनवी न्यूज़, रे ऑफ पॉजिटिविटी।